गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड टुडे इज डे टू इन मुंबई। सो हम लोग यहां से क्या करने वाले हैं, हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं लोनावला। तो यहां से कुछ जर्नी रहेगा हम लोगों का 3 घंटे का। एंड 3 घंटे जाएंगे हम लोग वाया एक्सप्रेस वे, एंड पुणे से जाके हम लोगों को बेसिकली जो हम लोगों ने गाड़ी बुक की है रेव से वो पिक करनी है। देन उसके बाद में हम लोग वहां से निकल के वापस आएंगे लोनावला, जो कि डिस्टेंस रहेगा अराउंड 40-50 किलोमीटर, पास में ही है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पड़ती है। अभी स्पेशली महाराष्ट्र में पूरा बारिश का टाइम है तो ग्रीनरी यहाँ की बहुत अलग होती है। तो एनीवेज स्टे ट्यून्ड, अभी यहाँ से जाते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोग निकलेंगे, कैब ड्राइवर आ जाएगा अराउंड 10 o'clock। अभी कुछ टाइम हो रहा है 9:10, तो होपफुली जल्दी पहुंचेंगे। वैसे 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला। कुछ इस तरीके से नजारे हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ताजमहल टावर में हर जगह एक छोटा बालकनी दिया होता है, और ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ये जो नई बसेस चली हैं, मतलब ये तो काफ़ी पुरानी वाली है, एक डबल डेकर बस चली है स्विच की, वो मेरे को एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे बोल रहे थे पहले शुरू की थी, बट उसके बाद में इन्होंने यहाँ से हटा दी। ज़्यादा मे बी शायद यहाँ से लोग नहीं लेते होंगे, बट यहाँ से मरीन ड्राइव जाने के लिए आप लोगों को ईजिली टैक्सी और कैब, ओला, उबर, हर चीज़ मिल जाएगी। ओवरऑल ए क्लास फैसिलिटी है, मतलब यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत ही बढ़िया थी। एंड बेसिकली कल जब हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए थे ना, तो वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल था। हम लोगों ने मतलब अर्ली चेक इन किया था, तो अर्ली चेक इन का बेसिकली हम लोगों को कोई चार्जेस नहीं पड़ा। हम लोगों ने एक डे का पे किया और उन्होंने अर्ली चेक इन दे दिया, एंड ब्रेकफास्ट भी हम लोगों को मिल गया, तो वो तो एक नंबर बात हो गया। ओ अच्छा, ये मॉडल बनाया हुआ है उसका, हाँ ताजमहल टावर का ही तो है ये डिज़ाइन। वाह, तो जी ब्रेकफास्ट अपना आ चुका है, और भाई साहब क्या क्या उठा लिया है, ये क्या क्या है अलग सा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। दिस इज क्रिस्टल हॉल, लवली है, क्या मस्त है लाइट्स। से पूरा ही दिखता है गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये वाला जगह पड़ता है खपोली का फूड मॉल, यहाँ पे आके आप लोग एंजॉय कर सकते हो थोड़ा लंच, और अगर आप लोग एक्सप्रेस वे के थ्रू आ रहे हो तो ये पड़ेगा, अदरवाइज दूसरे वाले हाईवे से नहीं है। तो गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पुणे में, और पुणे में हम लोगों को यहाँ पे रेव की गाड़ी मिल गई है रेंट पे, तो i20 है, ग्रे कलर, मस्त है। देखते हैं, यहाँ तक आने में 3 घंटा लग गया, और यहाँ से हम लोगों को वापस लोनावला जाना है। तो जूना हाईवे लेंगे, एक्सप्रेस हाईवे नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड रोड रहता है, आसपास में कुछ घूमने को नहीं मिलेगा। तो गाड़ी वाड़ी तो ठीक ठाक कंडीशन में है, अभी फ्यूल रेंज दिखा रहे हैं 36, तो अभी यहाँ से यू टर्न लेते हुए हम लोग जाएंगे, वहाँ से फ्यूलिंग कराएंगे, देन उसके बाद में निकलेंगे अपना जो आज का होटल है लोनावला में बुक। सो गाइस देखो, यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है लेफ्ट साइड में जो कि है मुंबई पुणे एक्सप्रेस, और यहाँ से स्ट्रेट चले जाते हैं, वो जूना हाईवे पड़ता है, तो हम लोग एक्सप्रेस वे नहीं लेने वाले, अभी उसी साइड से हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ना, तो ये वाला जो डाइवर्जन है ये है मुंबई वाया टोल एक्सप्रेस वे, जिससे हम लोग अभी आए हैं, और इधर से अभी हम लोग सीधा जाएंगे आगे वाले रास्ते से। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद होगा, जैसे बैंगलोर से ट्रैवल किया था बाइक पे, तो उस टाइम पे हम लोग आगे वाला रास्ता लिए थे। तो ये वाला जो है डाइवर्जन आ गया हम लोगों का, तो देखो लोनावला वाला घाट एंटर करते ही क्या ब्यूटीफुल जगह पड़ा हुआ है, लग रहा माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट का वो घास वाला लैंड और जो स्काई दिखता है वैसा लग रहा है। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जस्ट लोनावला के पहले वाला जो टोल है, बेसिकली यहाँ पे टोल है,
और इसके बाद में यहाँ से शुरू होता है लोनावला वाला एरिया, तो सही है। बाकी हम लोग रुके, बाकी हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वैसे पहुँच गए हार्डली एक घंटा लगा। तो ये हम लोगों को मिला है चाय शॉट्स, तो बहुत छोटा छोटा कप में चाय। लास्ट टाइम मेरे को याद है हम लोग पुणे में रुक के ऐसा पिए थे, तो इतना ही छोटा कप में देते हैं चुस्की मारने का लायक। आज का होटल का लोकेशन है वो है ये सनराइज हिल रिजॉर्ट, जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं। तो ये आ गया है अपना लंच, क्या है, बटर चिकन बोनलेस, 3 बटर कुल्चा और जीरा राइस, वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्बिनेशन। अभी करते हैं यहाँ से, देन उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हो ना आप, बहुत ही अमेजिंग सा व्यू है यहाँ पे। और राइट जी, तो अभी हम लोग यहाँ से पहुँच चुके हैं लोनावला, और लोनावला में हम लोगों ने होटल में रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने खाना पीना खाया, और अभी यहाँ निकल लिए हम लोग लोनावला लेक की तरफ। और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे पहाड़ी है, हम लोगों का बेसिकली होटल का जो व्यू है वो सामने वाली जो पहाड़ी दिख रही ना उसी का ही है। तो अभी जो मेन हाईवे है वहाँ से हम लोगों ने टर्न ले लिया है राइट की तरफ, और यही वाला रास्ता अगर आप लोगों को याद होगा किसी को, ये वाला रास्ता है आम्बे वैली के लिए, ये वाला जो है लोनावला लेक का पॉइंट है। तो अभी वैसे इधर भैया ने सजेस्ट किया है कि यहाँ से अभी जाओ, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए लायंस पॉइंट पे, क्योंकि अभी वहाँ पे सनसेट देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज थोड़ा लेट जाएंगे तो सनसेट नहीं दिखेगा। ये अभी हम लोग फाइनली आ गए हैं लायंस पॉइंट पे, और यहाँ पे बैठ के कुछ कुछ खाएंगे, देखते हैं, मस्त एकदम जगह तो बढ़िया लग रही है। सो दिस इज टाइगर्स पॉइंट, टाइगर्स पॉइंट और लायन पॉइंट में क्या डिफरेंस है? एक ही पॉइंट है। ओके, ये आगे वाला टाइगर पॉइंट, ये वाला, अच्छा वो, अच्छा उधर वाला टाइगर पॉइंट है, वाह मस्त दिख रहा है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल है, ओवरऑल जगह तो बहुत बढ़िया है। पीछे साइड में देखो ना व्यू बहुत मस्त वाला है, यहाँ से सनसेट नहीं दिखेगा, सनसेट पूरा क्लाउड हो रखा है, अमेजिंग प्लेस। तो अभी लायंस पॉइंट कवर करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं टाइगर पॉइंट्स, और टाइगर पॉइंट्स आ गया। बेसिकली दोनों जो पॉइंट है जो बगल बगल में ही है, तो किसी में भी जा सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग लगा के फिर निकलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को शॉप्स वॉप्स मिल जाएगी, खा पी सकते हो आके रात में मस्त एकदम। जिस दिन आम्बे वैली में IBW का इवेंट हुआ था उस टाइम पे गए थे हम लोग, पूरा रात के 2-2 बजे तक यहाँ पे लोग थे। चाय कॉफ़ी आके पीते हैं, अभी जस्ट पिए, थोड़ा थक रहे तो खा ही पी रहे हैं तब से। वो आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं, वो अच्छा लग रहा है भाई। चाय कॉफी पकोड़ा मैंगो कुछ लेंगे क्या बात है? आके लेते हैं कुछ भी लगेगा। तो 2 नंबर वाला स्टॉल है, ठीक है, सबसे फेमस स्टॉल है बंटी नाम है। ओके, क्वालिटी क्वांटिटी डिस्काउंट, डन। अदरक इलायची वाला स्पेशल चाय। तो सजेस्टेड यहाँ से ये है कि टाइगर्स पॉइंट आओ, लायंस पॉइंट थोड़ा सा पीछे है, ये वाले में आगे एक्सटेंडेड एरिया है। बेटर लगा क्योंकि इधर पे है ना, ये पूरा आगे से इधर साइड से आगे आके यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, यहाँ से ज़्यादा क्लोज पॉइंट, मतलब यहाँ से ज़्यादा क्लोज व्यू मिलता है जो अपना वो टाइगर पॉइंट है। यहाँ पे बंद कर रखा है वैसे ना पूरा, आगे जाने का नहीं, आगे जा रखे हैं वहाँ पे, आ जाओ कैसे जाते हैं देखते हैं। Thank you.
ऑलराइट जी, तो आज का ये था लास्ट पॉइंट हम लोगों ने कवर किया, टाइगर्स पॉइंट। आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को एंड ड्रॉप करना एक प्यारा सा कमेंट। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।